हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर के घटनाक्रम के बाद तकरीबन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस न केवल फेल हुआ है बल्कि बीजेपी को अब बगावत का डर सताने लगा है। और मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात को कहा है, जोर देकर के कहा है कि बीजेपी के कई विधायक अब हमारे संपर्क में हैं। लेकिन सवाल ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस बयान को कितने चैनलों ने छापा है, कितने चैनलों ने इस बात को लेकर के बीजेपी से सवाल पूछा है कि बीजेपी के कितने विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और बीजेपी के कितने विधायक टूट करके जाने वाले हैं। सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से तो सवाल जरूर पूछे जा रहे थे, लेकिन कोई बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूं और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। बीबीसी ने इस खबर को कवर किया है, ये बीबीसी का स्क्रीनशॉट आप देखिए। बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। तो बीबीसी ने इस खबर को कवर किया है और बीबीसी ने इस खबर को हेडलाइन में जगह दी है। उसके बाद में दूसरा एक और जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं एक वेबसाइट का। अटकलों के बीच में सीएम सुक्खू बोले कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, भाजपा ने फैलाई अफवाह, दावा बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके बाद News24 ने इस खबर को छापा है। News24 ने खबर में लिखा है सीएम सुक्खू के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक बदल सकते हैं पाला। तो ये सीएम सुक्खू का बयान है और सीएम सुक्खू के इस बयान के मायने समझे जाने चाहिए और ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायक इधर से उधर जाते हैं तो तमाम तरह के सवाल कांग्रेस नेतृत्व से पूछा जाता है। लेकिन अब बीजेपी का ना केवल ऑपरेशन लोटस ये हिमाचल प्रदेश के अंदर फेल हुआ है बल्कि अब बीजेपी को अपने विधायकों की बगावत का डर भी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर ये ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाता तो तमाम चैनल बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा करके इस खबर पर चर्चा कर रहे होते, इस पर खबर कर रहे होते कि राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं है, राहुल गांधी इस वक्त विदेश गए हुए हैं, कैम्ब्रिज के अंदर उनका एक लेक्चर होना है, कैम्ब्रिज में उनका एक संबोधन होना है, इसलिए वो विदेश गए हुए हैं और यहाँ पर उनकी पार्टी टूट गई है, यहाँ पर उनकी सरकार गिर गई है। तो राहुल गांधी से इस बात को लेकर के सवाल किए जाते, राहुल गांधी पर डिबेट की जाती कि राहुल गांधी जब जब कांग्रेस पार्टी पर विपत्ति आती है, जब जब कांग्रेस पार्टी संकट में होती है, तब तब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, इस तरह से जो है खबरें चल रही होती। लेकिन अब मोदी शाह से कोई इस सवाल को नहीं पूछ सकता है, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई इस बात को लेकर के सवाल नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है कि आखिरकार क्यों बीजेपी को इस तरह के ऑपरेशन लोटस चलाने पड़ते हैं। और ये ऑपरेशन लोटस नहीं तो और क्या है, सीएम सुक्खू का बयान एक बार सुनिए जरा आप क्या कह रहे हैं वो। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। कमरे में और डेढ़ कहते हैं डेढ़ दो महीने से ये डेढ़ दो घंटे से ये न्यूज चल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैं
मैं कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। आखिरकार किस बुनियाद पर बीजेपी 400 पार का दावा करती है? किस बुनियाद के तहत बीजेपी कहती कि इस बार 400 पार आने वाली? जिस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त न केवल छोटे से राज्य हिमाचल में हो रहा है बल्कि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में अब केवल विधायकों की खरीद फरोख्त या विधायकों की पाला बंदी नहीं बल्कि विधायकों को इधर से उधर करने के साथ साथ अब सबसे बड़े दल, विपक्ष के सबसे बड़े दल अखिलेश यादव को नोटिस तक भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है और उधर अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया जाता है, नोटिस भेज करके कल अखिलेश यादव को पेश होने के लिए कहा गया है। तो क्या यही सारे आधार अब बीजेपी के पास में 400 पार करने का बना हुआ है? और अगर विपक्ष में नेता ही नहीं बचेंगे, विपक्ष में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, और अगर उम्मीदवारों के अंदर ये साहस ही नहीं बचेगा कि वो बीजेपी से लड़ सकते हैं, या उम्मीदवारों को इस कदर डरा दिया जाएगा कि आप अगर उनके सामने खड़े होंगे तो येन पर केन कैसे न कैसे आपको या तो खरीद लिया जाएगा या अपने पाले में बुला लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या फिर इसी का नाम आज मौजूदा समय में लोकतंत्र बचा है? कैसे विधायकों की लगातार इधर से उधर वो खरीद फरोख्त हो रही है, इधर से उधर विधायक जा रहे हैं? अगर आज कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि हमारे संपर्क में है कई बीजेपी के विधायक, तो जाहिर सी बात है उसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी के विधायकों को वो अपने पाले में लेकर के आ रहे होंगे, जिस फॉर्मूले के तहत बीजेपी अपने कांग्रेस के या विपक्ष के विधायकों को अपने पाले में लेकर के जाती है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला देश के लोकतंत्र के लिए सही है या ये फॉर्मूला ही देश के लोकतंत्र को गला घोटने का काम कर रहा है? सवाल ये पूछा जाना चाहिए और सवाल इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो जनता किसके पास जाए, वो जनता किससे सवाल करे? जो वोट तो देती है किसी एक पार्टी को, लेकिन वो वोट घूम फिर करके आखिरकार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ही चला जाता है। तो क्या फिर ये कहा जाए कि जो आएगा तो मोदी ही, ये नारा बार बार उछाला जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव में जीत करके नहीं तो पाला बदलवा करके बीजेपी अपने खाते में, अपने पाले में उन विधायकों को, उन सांसदों को कर लेगी जिनकी जरूरत लगेगी? और क्या इसी प्रकार से आएगा तो मोदी ही? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अस्थिति इतनी लचर है कि वो बगैर खरीद फरोख्त के या बगैर विधायकों का इधर से उधर पाला बदलवा करके वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं? और जहां पर सत्ता में नहीं है तो वहां पर किसी भी प्रकार से सत्ता में आने के लिए कोई भी जोड़ तोड़ हो सकता है। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां पर कल 7 से 8 विधायकों को बदला गया, और हमारे सामने उससे पहले बिहार का उदाहरण है जहां पर पूरी सरकार को बदल करके अपने पास ले लिया। तो सवाल सीधा सा ये है कि जो बीजेपी सबसे मजबूत होने का दावा करती है, उस बीजेपी की मजबूती के पीछे क्या ये विधायकों का इधर से उधर खरीद फरोख्त होना ही सब कुछ है? सवाल ये है। और सवाल फिर ये भी है कि आज जनता कैसे भरोसा करे विपक्ष के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए, या जिनको वोट देकर के उस कुर्सी तक पहुंचाया है, जनता कैसे उम्मीद करे कि एक लोकतंत्र के अंदर अगर हम किसी अमुक पार्टी को, अमुक नेता को वोट दे रहे हैं तो वो अमुक नेता अमुक पार्टी के अंदर ही रहेगा और वो अमुक पार्टी ही अमुक पार्टी के साथ में रहेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरी की पूरी पार्टियां अब इधर से उधर शिफ्ट हो रही है। ये मौजूदा लोकतंत्र के अंदर और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। पूरी की पूरी पार्टी को उठा करके अपने पक्ष में कर लिया गया है, और पार्टी का अगर बड़ा नेता नहीं आना चाह रहा था या पार्टी का अगर बड़ा नेता वो पाला बदलने के लिए तैयार नहीं था तो उस पार्टी के बड़े नेता को अकेला छोड़ दिया गया और उस पार्टी के नेताओं के, छोटे नेताओं के जरिए उस पूरी पार्टी को ट्रांसफर करवा लिया गया। तो अब सवाल सीधा सा ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले के तहत विधायकों को, सांसदों को, लोगों को इसी डर के साथ अब इसी लोकतंत्र में इसी चीज के साथ में आगे बढ़ना होगा? और क्या अब ये इतना नॉर्मल हो गया है
कि लोगों को अब इसके साथ में जीना और इसके साथ में जीने की आदत वो डाल लेनी चाहिए कि अब यही होगा। जिस तरह से एक वक्त में लोगों ने कोरोना के साथ में जीने की आदत डाल ली थी कि हाँ ये तो होगा ही, काम धंधा करना ही पड़ेगा, तो उस तरह से आज देश का लोकतंत्र के अंदर विधायकों का इधर से उधर पालाबंदी हो रहा है, इधर से उधर पाला बदली हो रहा है। और क्या लोगों को अब ये मान लेना चाहिए कि मौजूदा लोकतंत्र के अंदर जो कुछ हो रहा है यही लोकतांत्रिक है? जिस आधार पर ये चीजें हो रही हैं, इन्हीं चीजों को, इन्हीं फॉर्मूलों को दूसरी पार्टियां भी अपनाएंगी, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में जो कल कांग्रेस ने किया आज वो बीजेपी कर रही है, आज जो बीजेपी कर रही है कल को वो कांग्रेस करेगी और दूसरी पार्टियां करेंगी, क्योंकि जिस फॉर्मूले के साथ एक वक्त में कांग्रेस ने देश में तानाशाही थोपने का काम किया, जिस फॉर्मूले के साथ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया, या और दूसरे तरीके से विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस करती रही, तो उस सबको आज कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों ने भी स्वीकार किया या दूसरी पार्टियों ने उसी फॉर्मूले को अपनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज जो बीजेपी 2014 के अंदर बदलाव का नारा देकर के आई थी उसको इस बात के लिए सही ठहराया जा सकता है? अगर कांग्रेस ने एक वक्त में गलत किया, कांग्रेस के एक वक्त में बड़े नेताओं ने गलत किया, तो क्या आज बीजेपी को गलत करने की छूट दी जा सकती है? सीधा सा सवाल यह है। और एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको मैं तक नहीं जानता था और मुझे लगता है कि इस देश में और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक ऐसे मुख्यमंत्री को ऊपर लाया गया, तो क्या इसमें बीजेपी के अलावा कांग्रेस के अंदर खाने गुट की भी एक बड़ी टीस थी और जिसकी वजह से यह पूरा प्रकरण हिमाचल प्रदेश का हुआ? सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस हिमाचल में कुछ ऐसे गुट हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कुर्सी किसी और के पास जाए, और इसीलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो एक बहुत सादगी सा एक सामान्य सा जीवन जीते हैं, देखने में आता है कि एक छोटी सी गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो क्या उनको गिराने में या उनकी सरकार को गिराने में बीजेपी से ज्यादा जो मौजूदा कांग्रेस की वहां पर सरकार चल रही थी उसी सरकार में बैठे गुटबाजी की असर है ये, उसी गुटबाजी की वजह से है? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। सवाल सारे के सारे बिना लाग लपेट के होने चाहिए। जब आप सवाल पूछे तो सवालों का धार वो केवल इस तरफ नहीं हो, सवालों की धार चौतरफा होनी चाहिए, और सवालों की धार मीडिया की तरफ भी आप मोड़ लीजिए तो फिर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर बीजेपी करती है तो कैसे उस पर चुप्पी साध ली जाती है, और अगर कांग्रेस करती है तो कैसे उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, या कांग्रेस नहीं कर पाती है तब सवाल पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के हिमाचल प्रदेश के इस पूरे प्रकरण ने बीजेपी की पोल खोल दी है, और मैं आपको बीबीसी का एक ये कार्टून दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, बीबीसी ने एक ये कार्टून बनाया है, सांसदों विधायकों के पार्टी बदलने के मामले और इसमें जो है वो दिखाया जा रहा है कि मैं अपने वोट का करंट स्टेटस जानना चाहता हूँ कि अभी किस पार्टी में। ये देश के एक आम मतदाता का आज सवाल है, ये देश में लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले एक निष्पक्ष एक मतदाता का सवाल है कि उसने अगर किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को अगर वोट दिया है तो वो कैंडिडेट अगले 5 साल तक या अभी फिलहाल वक्त में वही है जहां पर मैंने उसको वोट दिया था, या वही उसी पार्टी में उसी दल के अंदर है जिसके लिए मैंने उसको वोट दिया था, या वो तैयारी कर रहा है उधर जाने की और वो खुद से अपने आप से जाकर के उनसे कह रहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और अपनी खुद की बोली लगवाना चाहता है, या उसकी बोली लगाने के लिए दूसरी पार्टियां उसके से संपर्क कर रही है। ये सवाल आज मौजूदा समय के अंदर देश के आम मतदाता के अंदर है, और इस सवाल को जन्म किसने दिया? इस सवाल को जन्म दिया आज दो धड़ल्ले से एक के बाद एक ना केवल सरकारें इधर से उधर हो रही हैं बल्कि पूरी की पूरी पार्टियां इधर से उधर हो रही हैं। तो सवाल उस मतदाता के मन में तब ये उभर करके और बड़ा हो जाता है।
और इस सवाल को खत्म करने का काम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं उनका काम है। ये उनका काम है कि देश के एक आम मतदाता के मन में विश्वास जगाएं, उनको बताएं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी केवल नारों में नहीं बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के चुनाव में हर जगह आपको नजर आएगी। लेकिन आज वो कितनी नजर आ रही है ये आप अपने आप से टटोल लीजिए। तो अब सवाल यही है कि ये हिमाचल प्रदेश का चैप्टर आज जिस तरह से यहां पर दिख रहा है, इसके बाद में कांग्रेस के अंदर ही सिमट करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा या अभी भी इसकी पटकथा लिखी जानी बाकी है, अभी भी हिमाचल प्रदेश की पिक्चर बाकी है, सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।